अरे भाई मैंने छोड़ दो, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैंने कभी काट दिया थारा? गरीब आदमी जिसकी डेयरी में 20 भैंस बंदी हो वो गरीब आदमी? देख तेरे पास अभी भी मौका है, एवरेज के साथ एक भैंस का 1 लाख, मतलब टोटल 20 लाख दे और गोली ओले यहाँ से। अरे छुट्टन भाई सच में पैसा ना है मेरे पास, अगर आपने यकीन ना हो रहा ना ये लो माँ कसम नांटी ना लो। भाई झूठ बोल रहे हो, पैर मंटी लगा रखी है ने? तो मतलब तू ऐसे नहीं मानने वाला, भाई की एंट्री करवानी ही पड़ेगी। हाँ भाई पैसे देने के जी मैक नहीं भाई, विद्या राणी कसम पैसा है ही ना भाई, ये दूसरी फैल है, सारा झूठ बोल रहा है। अच्छा जी चल इनमें तो एक मुट्ठी पकड़। अरे पकड़ना यार बेटा, इस बार तो रैप्टर टिका है, अगर टाइम पे पैसे ना दिए ना तो ऐसी हालत कर दूंगा कि चलेगा भी ना तो दुनिया कहेगी वाओ क्या डांस कर रहा है। यो बात अपने मगज में डाल लिए। ये है छोटे मियाँ, हाथ में कट्टा लेके आंखों पे काला चश्मा पहन के पूरे एरिया में बदमाशी करते फिरते हैं। ये किसी से नहीं डरते सिवाय दो लोगों के, एक तो हम सबके फेवरेट। हे भगवान आपको तो पता ही है मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, तो जल्दी से मेरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो, पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। और दूसरे इनके बड़े भाई बड़े मियाँ, जो कि मेरठ में एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, और उनको लगता है छोटे मियाँ भी दिल्ली में एक बहुत बड़े टीचर है। लेकिन ये कैसे टीचर हैं और क्या पढ़ाते हैं ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब छोटे मियाँ को अपनी तारीफ़ें सुनने की बहुत आदत है, इसलिए रोज़ हॉल में छुट्टन के साथ बैठ के इन सब लोगों से अपनी तारीफ़ें सुनता है, वो भी इंग्लिश में। यू आर वेरी वंडरफुल इंसान, आई सी यू रोज फुल होशियार। दिल्ली कुछ कर दिया तेन तो कती लट से गाड़ दिए। हाँ भाई नवाब जादे, मेरे इलाके में गुंडागर्दी करने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? अरे वाह बाज, हम तो नई बदमाशी करेंगे, तेन तो पता ही है फूफा बदमाश है, अब आज के बाद यहाँ फोन मिलाने की जरूरत ना है, निकट आते पागल से आदत पड़ रही है। हाँ तो भाई नेक्स्ट। भैया यू इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी सम्राट। ले भाई तू चेन पकड़। साले तने तेरे घर में घुस के मारूंगा। अरे वो बहम तो पाले मत ना, तेरे और मेरे में इतना ही फर्क है जितना जंगल और सर्कस के शेर में। अब यहाँ फोन मत मिला दिए दोबारा। हाँ तो तू एक काम कर, तू घर ही आ जा। अरे छोटे तेरे को कैसे पता कि मैं घर आने वाला हूँ? भैया आप, अरे दिल्ली आया हुआ था, सोचा घर आऊँ तुझसे मिलता चलूँ। अरे नहीं। क्या नहीं? अरे मेरा मतलब क्यों नहीं? तैयारी कर ले, तेरा बड़ा भाई आ रहा है। तैयारी तो करनी पड़ेगी। भैया आ रहे हैं क्या? अरे ओ कट्टे छुपा लो, किताबें निकालो, लेटर छुपा लो, पेन निकालो। बजने वाले हैं, बड़े भैया किसी भी वक्त आते होंगे। अरे यार यो बोल के तने मेरे तो टेंशन दे दी, मेरी छाती में दर्द हो जाएगा। भाई भगवान पे भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। भाई मैं तो कहता हूँ अल्लाह पे विश्वास रखो, सारे कलेश टल जाएंगे। चर्च ना चला जाऊं, जीसस की भक्ति कर लेता हूँ। भाई 20 की जगह 50 लाख रुपए ले लो, बस मुझे माफ कर दो, पता चलगा मुझे कि आप कितने डेंजर आदमी हो। अरे यार इस तक मेरा दिमाग खराब मत करे, हमें ना चाहिए कोई पैसे वैसे, भागा इसने आते। सुनी ना तूने भाई ने क्या कही? शू
भाई तेरी कसम, एक बार को तो जी सा निकल गया था मेरा, बहुत बुरी हालत हो रखी है। मालिक बस एक बार कह दो जासूर माफ किया। अरे तेरी बहन के सारे ने दिच कर दिए, मैं इस बार मां का समझ में धरती में गाड़ दूंगा तेरी मां का। तेरी मां का इलाज हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। बड़े भैया क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ छोटे, तू बता कैसा है? जनता की सेवा चल रही है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड इवनिंग, शाम का टाइम है यार, गुड इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग भैया। वैसे आज ये सारे बच्चे घर में क्या कर रहे हैं? अरे वो पैसे उठाए थे ना तो वो देने आए। क्या इसका मतलब है? फीस देने आए, सर ट्यूशन फीस देने आए हैं। फिर भी स्कूल के ड्रेस में, और कोई किराए पे नहीं मिली? किराया इसका मतलब है किराया, समझ लो स्कूल से सीधा ट्यूशन पे, तो स्कूल से घर जाने का किराया खत्म। शाबाश भाई, एक मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो के ना, फिर दोनों खाना खाएंगे बैठ के, ठीक है? ठीक है। तू साले मेरा दोस्त है दुश्मन? अरे भाई फ्लो फ्लो में बोल गया यार। अब कौन आगा? आजा, तेज तो कमी रह गई थी बस। हाँ भाई जंगल के शेर ले आ गए तेरे इलाके में, अब उखाड़ ले मेरा क्या उखाड़ेगा। बल्लू भाई के इलाके में कोई और गुंडा? इम्पॉसिबल। देख दिमाग का गाढ़ा तो करे मत, ना तो जेब में पिलास ले रहा हूँ तेरा, बहुत कुछ उखाड़ लूंगा। आवाज कहीं और आएगी और दर्द कहीं और होएगा। बल्लू भाई को धमकी ले, अब मैं कहीं ना जा रहा, यहीं पे महाभारत होगी। एक्सक्यूज मी भाई। अरे भाई गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लो, ये जो कह रहा है मान लो, अगर बड़े भैया को पता लग गया ना तो खाम खा का ड्रामा हो जाएगा। बात तो तू सही कह रहा है। हाँ भाई यहाँ तो जान का खेलेगा। छोटे मियाँ सब करने को तैयार है। ऐसी बात है ना, तो अब ये सर्कस का शेर जंगल के शेर को थप्पड़ मारेगा। अरे ओए कैसी बात कर रहा तू, मेरे घर में आके मेरे तो कह रहा कि रैप्टा मारेगा, साले के थप्पड़ ऐसा देऊंगा ना बत्ती सील जाएगी कदे बहम में हो। एक्सक्यूज मी भाई। अरे भाई इसकी बात मान लो, एक थप्पड़ की तो बात है, और वैसे भी कौन किसी को बता रहा है? ओए किसी को नहीं बताओगे ना? देखा एक थप्पड़ की बात है, आ जाओ आ जाओ। वैसे वो मेरी इज्जत के खिलाफ है, पर मजबूरी में गधा भी बाप बनाना पड़ा है, ले मार ले। बचपन में किसी ने इस पे हाथ उठाया था, पुलिस वाले आज भी उसकी बॉडी ढूंढ रहे हैं। अगर यहां पर छोटे को किसी ने एक शब्द भी बोला ना, पूरी जगह को शमशान घाट बना दूंगा। अरे भाई आप, भाई मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आपका छोटा भाई है। अरे कैसे बौखला रहा है, स्टूडेंट है क्या इनका? बेटा तेरे और मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट है इनके, तेरा तो बस दिल्ली में नाम चलता है, इनका पूरे देश में। भाई कैसी बातें कर रहा है ये? सच बोल रहा है। फिर भाई आपने मेरे को बताया क्यों नहीं, दोनों भाई साथ में बदमाशी करते? यही तो मैं नहीं चाहता था, ये जिंदगी जो तू जी रहा है ना, ये सिर्फ दूर से देखने में अच्छी लगती है, पास से सिर्फ ये कीचड़ है कीचड़। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कौन से हाथ से कलम चलती है और कौन से हाथ से कट्टे? मुझे पता चल गया था कि तू गलत रास्ते पे है, मैं दिल्ली सिर्फ इसलिए आया कि तुझे आकर मैं समझा सकूं। मेरे भाई इस देश को प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं। अच्छे लोगों की जरूरत है, बुरे लोगों की नहीं। सच्चे लोगों की जरूरत है, झूठों की नहीं। और देश पर कुर्बान होने वाले लोगों की जरूरत है, ना कि ऐसे गुंडे मवालियों की। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम करे हैं, पर जैसा कि आपने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है सही राह दिखा के, मैं भी अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाऊंगा उस राह पे चल के। मैं अपने किए हुए बुरे कामों को चेंज तो नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज से सारे बुरे काम बंद, और इन हाथों से अब कल में चलेंगी कट्टे नहीं।